नमस्कार, स्वागत है आपका तबिहार बुलेटिन में। बीते कुछ दिनों से पड़ रही इस कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। कपकपाती ठंड में कई ऐसे लोग हैं जो बेघर और बेसहारा हैं, जिनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं है जिससे वो अपने आप को ठंड से सुरक्षित रख सके। ऐसे में बिहार विकास मोर्चा के संयोजक व समाज सेवी सोनू तोमर तथा समाज सेवी आशीष रंजन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार की देर रात शहर के विभिन्न जगहों पर सड़क किनारे फुटपाथ पर जीवन गुजर बसर करने वाले दर्जनों विकलांग गरीब मजदूर तबके के लोगों के बीच कंबल वितरण कर इस भीषण ठंड में राहत पहुंचाने का कार्य किया। जहां रात के अंधेरे में लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हैं, वहीं ऐसी परिस्थिति में शहर के युवा समाज सेवी अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर निकल कर जरूरतमंदों के बीच पहुँच कर कम्बल वितरित करने में जुटे। चूँकि हर वर्ष के भांति हम लोग हर वर्ष कंबल वितरण का कार्यक्रम रखते हैं, और चूंकि शिविर लगाना था क्योंकि कोरोना का गाइडलाइन है, तो कोरोना को देखते हुए हम लोग घर घर और जहां भी लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो वहां ज़रूरतमंद लोगों को अपने स्तर से, क्योंकि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी कोशिश किए हम लोग की जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम लोग पहुँचे और उनको कंबल मुहैया कराए। अलाव की भी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से कर रहे थे, दो चार पाँच दिन से बिहार विकास मोर्चा से सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे अपने स्तर से, जो भी लोगों ज़रूरतमंद लोगों तक अलाव की व्यवस्था कराना, गर्म कपड़ों की व्यवस्था कराना, उसी का आज था। आज अभी हम लोग 100-150 कम्बल वितरण किए हैं विभिन्न जगहों पर जाके, और अभी और कुछ है जो बचा हुआ जगह है उसको हम लोग कल वितरण करेंगे। हम लोग स्टेशन से देते हुए स्टेशन पर गए थे, वहाँ से फिर आपको शंकर चौक होते हुए पूरब बाजार होते हुए अभी नलकूप रास्ते में है, यहाँ से करते हुए हम लोग अभी फिलहाल तो ये 30 नंबर 19 नंबर स्टेशन वाला जो वार्ड है। कितने लोगों के बीच बांटा गया अभी कंबल? लगभग 125 आदमी के पास दिया गया है और भी अभी बांटा जाएगा। आगे भी हम लोग आज का रखें कम से कम 150 आदमी को देना। आगे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल आगे रहेगी, और जब तक ठंड रहेगा तो इस अनुसार व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे।